नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयान। लंबे समय से कपिल शर्मा टीवी की दुनिया से गायब हैं, लेकिन अब खबर ये है कि कपिल शर्मा जल्द ही कमबैक करेंगे और इसके लिए इन दिनों वो अपनी हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं। कपिल शर्मा बेंगलोर में हैं, जहां वो डिटॉक्स प्रोग्राम के जरिए अपनी हेल्थ को ठीक कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कपिल शर्मा बेंगलोर के आयुर्वेदिक आश्रम में हैं और हाल ही में कपिल शर्मा ने आश्रम के बाहर का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कपिल शर्मा बता रहे हैं कि बेंगलोर में भारी बारिश हो रही है। यानी कि साफ है कि कपिल शर्मा बेंगलोर में है और बेंगलोर में रहकर ही वो अपना इलाज करवा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो कपिल शर्मा पिछले 2 महीने से इसी आश्रम में अपना इलाज करवा रहे हैं और इसके पीछे हाथ अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना का है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कपिल के इलाज में ट्विंकल खन्ना का क्या हाथ। दरअसल ट्विंकल की किताब पैजामा फॉर फॉरगिविंग से कपिल को प्रेरणा मिली है, जिसके बाद कपिल ने आश्रम को अपने इलाज के लिए चुना है। जी हाँ, इसकी प्रेरणा उन्हें ट्विंकल खन्ना की किताब से मिली और उस किताब को पढ़ने के बाद कपिल शर्मा ने इसी आश्रम को अपने इलाज के लिए चुना है। खबरें ये भी है कि कुछ वक्त पहले कपिल शर्मा यहाँ आए थे, लेकिन बीच में ही उन्होंने अपना इलाज छोड़ दिया था और मुंबई पहुंचते ही उन्होंने वापस पीना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार कपिल ने प्रतिज्ञा की है और वो ये है कि वो अपना संकल्प नहीं तोड़ेंगे और इलाज कराकर ही वापस जाएंगे। जानकारी मिली है कि कपिल ने पिछले 2 महीने से शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। उनका 15 किलो वजन बढ़ा हुआ है, जिसे कम करने की वो कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इतना तो तय है कि कपिल अब अपनी हेल्थ को लेकर काफी सीरियस हैं, यानी कि कपिल अक्टूबर में कमबैक कर सकते हैं। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।